सारिया गलों सा इतफाक है जितनी हुई है तो कानून जरा सारा WBA नो सी क्योंकि असा WBA ने बंदे हाँ इसने एक पहला खाड़ा जरा ने फ्रिटा छना पाया उसने पर असों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कोई 26 जोड़न तो एक तो वक्त की पाबंदी करनी है 12 बजे ने असर टाइम दिते आ तो ये अगला कानून नहीं होने लगा कि इतों 3 बजे छो या 2 बजे छो तो फिर उतना कोई मामला खराब है तो फिर इस गल ने असर जिम्मेदार हाँ या गल कर सो वे 26 जोड़ो नहीं जिम्मेदारी साढ़े सिर ना लो जड़े जोड़ हाजिर मेला हुई है असों की वह गल भी कबूल है जे 26 जोड़ों की जिम्मेदारी ला सो तो वक्त साड़ी मर्जी हो ठीक है जी। नंबर 2 गल हुई गई रैफरिया रैफरिया पर यह जितने भी सारे लोग न ये बोने वजह थी असं कट्ठे हो बोने ही सारे खिलाड़ी न हर बंदे बोबूड़ी है तुम ये सारे बंदे इतने बेहद फैसला करो कि रैफरी कौन कौन होना चाहिए तो किस तरह होना चाहिए असं की वह गल भी कबूल है। नंबर 2 जरा मैं अपनी जातनी गल है तुम सारे गै बई छोड़ो मैं अगे साढ़े भाई और एक उसने पर पूरा असल की सारी गल डेटा दिता ने कि रैफरी उन्हें कानून कायदा है कि अल्फ देसी बंदा तो रैफरी उसी तो भाई मोहन गल है कि मैं पहले तैयार किए कि इस बार रैफरी 4 जज जड़े ने 6-10 बंदे तय होए न खरेटे जल्द इस ने बाकायदा जमानी नहीं सपारा पल्ले देसा तो हथा खिलासा असर रखो हथ रखी तो दियो फैसले हो जब तू सपारा रखी तो गल की जाए तो उस तू बाद कोई गल आखे वा बाद गलों गरोल भाई है जी पता क्या इतू इतू गल दई तो इतू दई ये गल काबले कबूल कोई नहीं ना जजा की तनखा लगी है तो ना रैफरियां लगी है पूरी तिहाड़ करो जफ्फी बच्चों ना घुली घुली तो शाम वाला वो इसकी समझ ही नहीं सी ये बड़ा भैड़ा जी गलत दई है जी ये गल्ला होनिया सर समझ बहुत थोड़ी बहुत पौड़िया तकिया भी हैं उस दौर च क्या सी गल ला उसलै गल होनी सी कि सबका अज तू 20 साल 25 साल पहले 23 साल हो गए मैं आखिरी बहुत जल्द पौड़ी सुई सर बना उसकी बात बहुत कुछ उसलै क्या होना सी जड़ा खड़ा उसी कोटली मैं अपनी जात नहीं गल कर रहा सूफी अजहर ना खड़ा होया तो वह मुंडे रियासत खाने बाद आए ना 3 सर रैफरी खड़ाए ना जल्द टैन उठन तो चौथा मैं जाइता बिच बड़ी हथ पौड़ी क्या वो माड़ा क्या अक् बनना वे 3 रैफरी खड़ाए मैं चौथा क्या लोना सब बिच उसलै गल ये होनी सी कि इलाकाइजम बहुत जल्द अस इधर इच्छे सर मीरपुर आए पास है उल्लै इधर भी गल होनी सी एक गल नहीं कि खाली उल्लै भाजियां होनी उस मीरपुर जुलसो सहना ये गल उसी तो इधर जुलसो तो यह गल उसी जबकि इस गल की अज ना जरा दौर आया एक ग्रुप बनया जग्गा ग्रुप होया या वैल बीनी आए इसकी ना खत्म किया और इसकी असें तस्लीम करना चाहिए और जलील पप्पू जी अज नहीं जी बीनी नहीं बुनियाद मैं अपनी जात नहीं गल करना बुनियाद अगर रखी है तो जलील पप्पू हूँ बीनी चाहिए उसने एक ट्राफी देने उन्हें सिर्फ रबड़ा नहीं वो भी कुछ ही लभनी से कुछ ही कौन सी लभनी ठीक है जी अज किराए भी अगला देना पाया रोटियों भी खिलाना पाया तो इनाम भी वो तो वह देना पाया तो फिर असं उसकी तस्लीम ना करो तो फिर जी गल अगर माड़े भाई और भाई का इन्होंने जड़े भाई मुनाफकत इस तू बगैर और घड़ी होनी है असं फिर भी होने नहीं वो जलील पप्पू क्या करना पाया ये गल इस मैं मेहरबानी कर सी अगर इस गेम असं जितने भी बैठे हाँ इसने कोई मुनाफक तो नहीं असं सारे बंद एक जो कलमा याद करो तो सारे बंद एक गलैर मुतफिक हो इतों तो कौन मुनाफक उसी जल्द यह सोचा नहीं 50 बंदे एक जगह हो माड़ी समझ मुनाफक मरी जाए ठीक है जी मुनाफकत खत्म कर दू उसी जल्द मैं कर सौ मुनाफकत पहले तो मैं अपनी करी मैं लाले के किए बो जी तुम मुनाफक हो तुम मुनाफक हो कलमा याद करी टूर पो साड़ी बुनियाद मैं ग्रुपों पर सुनना रहना हाँ जड़ा भी है ना वो बीनी बुनियाद है जिस बीनी की फरोग देने पे बीनी की देने पे यार बुनियाद साड़ी एक है तो रस्ते साढ़े अलग किए एक ग्रुप है जो 18 ग्रुप बने पे तो झगड़े उत्थी असं बीनी आए करने पे बाकी हल बोने लग तू इस गल पर बहस करना या गड्डिया ठीक करने लग तू बहस करना बोन क्या प्रॉब्लम है बोनी प्रॉब्लम तो असं जाति बनाई है जो बोह आए बंदे ही हाँ तो मैं समझना भाई इसकी कलमा याद करते सारी गल खत्म करो तो साढ़े खाड़े ने बारे च मेहरबानी ये सारे बंदे कोई भी जरा दिल करना रैफरी फिक्स करी करो असल इस गल कोई अमल दखल नहीं कड़ा करसो तो कड़ा ना करसो उसी कलमे पर गल तो सपारे उस बाद अगर कोई उसी चैलेंज करे तो असं चैलेंज मनना कलमा पढ़ी या सपारे हथ लाई तो जरा मुनाफक या बेईमान होना फिर उसकी अल्लाह पर सटो फिर उसकी माड़े अंदाजे चैलेंज असं मुसलमान उसकी चैलेंज करना गल ठीक नहीं ये गल असं तो दुए नंबर पर जी 12 बजे ना टाइम है ये सारे बंद पाबंदी है उसे माड़े भ्रा आइए 12 तू लेट हो तो फिर तुम इस गल ने खुद जिम्मेदार उस बंदे नहीं बहुत ना हो या कोई मसला होया तो फिर उस गल ने असं जिम्मेदार होगा।
सारे बंदे नहीं, मैं थोड़ा अगर रिक्वेस्ट करना क्योंकि अखाड़ा है थोड़ा मुश्किल है, 26 जोड़ करवाने मुश्किल अखाड़े है, सत्तों बोने हैं, बाकी असं सारे ने रस्ता ही क्या बीनी करनी है जिस वास्ते रात दिहाड़ी भी की है कोई गल उसी, पर इस गल्ले नहीं ते में नहीं थोड़ी पाबंदी उसी तो असं बची जा सी, ये तुसा सारे अगर रिक्वेस्ट है तो सारे मसल इये बंदे असं जिन्हें नहीं साड़ी है सिस्टम चलना पे बच्चे भी सारे सही है और फालतू बंदा कोई नहीं, ये वक्त नहीं पाबंदी जी लाजमी करनी है, बाकी साड़ा जीना मरना जो WBA नाल है तो उसने कानून अस फॉलो कर रहे हैं जोड़ा उन्होंने कानून जितने भी दूर दराज तो दोस्त मेहमान आए सारे की पहले तो प्यार भरा सलाम तो खुश अमदीद खाड़क उस तो बाद दोस्तों साढ़े भाई कदूर साहब माड़े तू ज़्यादा बहनी बीने में भी ज़्यादा पौड़ी उसने लेकिन एक दो गलों उन्होंने इतफाक ना करना उसकी वजह यह है कदूर साहब कि सपारा साड़ी बहनी एक ऐसी फील्ड है कि इस विच कोई ऐसा जलवा भी हो सकना कि उस पास प्लेयर ना या रैफली ना ध्यान होवे उसकी तुसा जब न्याय तुसा की देई होना उस तो बाद होर सपारा तुसा रखी तो उसको क्या न्याय गिनस बहुत एक आम है तुसा जिस बंदे के बल ईमान सौंपी उन्हें अगर वो अपना ईमान बेचना तो उसने अपनी वजह ना जिस वेले तुसा कुरान रखी उस कुरान पढ़ने वास्ते वो जरा ना न्याय देने वास्ते नहीं है मेरे अंदाजे इस गल्ले नाल तुसों नाल साड़ा इतफाक है पर इस इतफाक पर मुड़ी एतमाद भी करो जदू ये तुसों कर किन्ने ये गल अस आखने सारिया गल्ला आखने तू बाद मुड़ी इस गल पर एतमाद करो कोई इंसान ऐसा नहीं मैं तुसी गल अपने पर की ना मैं दुए पर नहीं की कि रियासत नहीं बहुत पर मैं चौथा बंदा ला गया हाथ पौड़ी किला वो माड़ा क्या हक बनाया तो मी बाद जो मैं उसकी वीडियो तकी मकसद ये है कि बानी खेल ऐसी है बाज़ औक़ात रेफरी या जज उस एंगल पर नहीं होना मिस्टेक हो सकनी है ठीक है हूँ उस अपनी मिस्टेक नाल फैसला देना उसकी लाजमी है तुसों को नागार करना दूई चीज़ ये है जो तुसां बिलफर्ज रेफरी या मैं तुसा मिगी आने जी कि अपने ईमान की आजर नाजर करी दे भैया हाथ खला करके जो फैसला दे से ईमान ना दे से ईमान भी चीज़ उ सपारे पर भी अमल तो उसी जी ईमान है एक तुसा गैर मजहब ना सपारे पर हथ रखाई ओड़ो तो उसकी क्या औल पा रहा है सपारे ना मकसद उन्होंने सिर्फ इतना कि तुसा सपारा ना रखो बिलफर्ज तुसा रेफरी हो मी चाहिए ना तुसा हथ खला कराना कुदूस भट्ट साहब तुसा जो फैसला कर सो अपने ईमान की आजर करते कर सो हूँ ज्या तुसा ईमान रोना तो ज्या कुरान रोना मकसद उन्होंने गल गलत नहीं मैं उसना ये गल क्यों की है जदू भी सुनो ना खाड़े ने बिच दिहाड़ी पूरी था झगड़ा होना ना शामी जिले अच्छो मुड़ी सुनी है भाई जो ये रेफरी है उस ना उस ना लड़ सुनी ना तोड़ जाऊंगी जड़ा ना झगड़ा नहीं खत्म हो सकता सही पर चलो जड़ी भी उसी गल ये जरा उठे सपारा सामने ना मतलब पता क्या दो गलों एक साढ़े पलवान पहले खाड़ा खराब कर दें जिले को मामला होना नहीं नहीं एक निश लगी इतू दो लगी इतू ने ठाले तू ये दौड़ी जाने दुए नंबर जे उन्होंने होने नाल सपोर्टर धामदार अवाम हो गए जल्द ये गल करने का मतलब है कि उन्हें सामने गल शो की जा सी कि एक कम होने तू बाद तुम उन्होंने भी कोई आखिरी भी चश्मे इन बंद पर यह सारा कुछ हुई है क्यों ये Yeah.
जरा कदूस बाटर किया सारे गौर ने सुनया उन्होंने अपनी राय दसी कि असा क्या कर सौ उन्होंने खाला अगे पलवाना मुझे दौरा आख्या कि यह गल सिपारे वाली नहीं होनी चाहिए जिसल मैं आखी हूं जी माननी गल है ना जिस मैं आखी हूं जो माड़ा साई साहब वादा कसम अल्फ उसकी जो वीर सौ ना देने चाहिए सिपारा या जो भी जरा कदूस साहब ने यह गल सुनी सिपारा उसे देसा यानी कि वह इे गल है चाहे वह जबानी कलामी वादा दिता जाए और रेडी जरा ना मैं संगीत दसा जी इस पर हार्डवर्क कितनी असा करी लिया जेडे अखाड़े लगेश ने उसकी लीड में करी लिया जेडे सारे सरबराह इन्होंने मैं ग्रुप बनाया खाली टूर्नामेंट वास्ते उस विच क्या किया गया मैं नॉमीनेट किए जी लाले और गल आखी डब्ल्यू बी ए आया ये मर्जी नाल नहीं होया जेडे न्यूट्रल बंदे या जिन्हें कोई रोशनी मिगी दसी तो उन्ना की यानी कि जेडे ये गलत फहमी भी हो सकनी कि डब्ल्यू बी ए आए क्या करी दे जी दो रैफरी होने से चार करी ओड़ने त्रै जज होने से छे करी ओड़े ये मैं क्लैरिफाई करना चाहना कि पंजां टूर्नामेंट पर ये जे छे रैफरी जज चार रैफरी जड़े हैं इंडिविजुअली टीम बाय टीम उन्होंने लीडर या रैफरी ने गुरू साहब की रखा जजा का लीडर जरा टीम लीडर है वह अभी रसबर रखे जिते भी एडजस्ट होने एक बंदा आया ना आया जो रेसन त्रै तो दो जड़ा हाल्फ नहीं गल है वह मैं ऑलरेडी हाल्फ चुका चुकाया सारे कोलू जे रैफरी और जजिस है हाँ जी जल्द आए ना मैं उन्हें क्या हाल्फ चाहो अपनी जबानी चाहो चाहे कलमा पढ़ी तै चाहे सूरज यासीन पढ़ी तै चाहे अल्लाह ताला के हाजिर नाजर करी तै चाहे आखो मैं वादा हाल्फ हाल्फ जिस तरह मर्जी असो गल करसो उस मैं हाल्फ चो आया नहीं सारे चया ये तो एक ना किनारा है मूड़ी नाल ही जड़े सारे जो टीम जिंदियां बिच पईयां वा हाँ जी पता नहीं 15-16 टीम है जी उन्होंने सारे ने सरबराह उत्थे ही उसका ग्रुपा करो फिर उन्होंने आख्या जी हूँ तुसा लीडर जड़े हो ना वो अच्छो तुसा भी हाल्फ चाओ जरा इन्ना हाल्फ चाया जड़ा भी ये फैसला गल कर सन असा हाल्फ चाने जो असा कबूल कर सन क्यों ये दो तरफी गए हर मैथड इस्तेमाल की एक दूसरा हाँ जी हर टूर्नामेंट की हिस्सा नहीं हिस्सा साड़ी आवाम चलसी शाह जी एंड पर मैं जरा ये गल किया ना ऐलान किया ना जी रैफरी जजेस तुसा हाल्फ दो उन्हें हाल्फ दिता मुड़ी नाल फिरी तो मैं तुसा जी आवाम हो जो टीम लीडर हो सारे तुसा भी हाल्फ दो कि जड़े ये गल कर सन असल की कबूल है उस यकीन मनो एक कंप्लेन नहीं हुई अमृत साहब हाँ जी केसरी हाल ही वो जनाब इतना सोहना खाला गया सो लिहाजा ये जी थोड़ी जी मिसअंडरस्टैंडिंग जी सुनी है हाल्फ है समझी गए सो ये मैं सुनी इतना क्लीयर कर जनवीर खाड़ा कराया पंडोड़ी रमजान नहीं तो साढ़े शानी नहीं बह हो असगर तकी लतीफ कनेडी वाला दुए पास आख्या बराबर लतीफ असगर आख्या नहीं रमजान छन डाला मैं थोड़ी देर बाद इन्होंने झगड़ा पाया मैं उसे गया मैं आख्या मैं भी तकी कहना मैं पहुंच हूँ सुना मैं तकी कहना लिहाजा सुना भाई जी एक छंड लिसे जल कोच भाई थोड़ा फिर रौला करना मेरा इधर बल कर देगा कैमरा मारा जी Thank you.
अच्छा जी गल ये जो कोच ना वह भी तो तकने आखे लगे थे अगर कोचें पता लगे भाई ये सारा मुड़ा एक क्षण लिस्सा हो गया या कुछ इसका फिर वो बाई होना चाहिए अपने बच्चे का क्षण लिस्सा अशकील ने तो नैम नहीं जल्द बह हुई है बखदा साढ़े अगर जज बैठे तो असा कौन नहीं थकिया जल्द कौन नहीं थकिया मुड़ी वो फिल्मा दसियां थकिया जो अभी बाया सी सारे भाई ये इस छिक बाई है चुप करना पै गया छिक बाही है तो या छिक बाना ये भी है कानून है बनया है कि एक बारी टाया तो वार्निंग दो उन्ना टे दूई बारी टाय त्री बारी टाय और जो दूती होगा कदम अदर तुसा नाला मैं फिर वो क्या करें बिल्कुल मैं आख्या भाई एक बारी बंदा टाय एक बारी बंदा टाय वो तो वार्निंग हो जानी है मैं भाई हूं सब ना टे जल दूई बारी टाय त्री बारी टाय कुछ लाए आने में छड़ानी है तो छड़ाई है इे कानून बनया कुछ गए उठी चो दस बोल ये कानून बनया कुछ लाया जल नहीं छिक बाही है तू एवें ही करने याद फिर छिक बाही आ फिर अगली गल चलनी है भाई जी त्री बार टे जी छिक बाही गए तू पुछना तो फिर अदाला भुगतना पैना फिर खंड लिस्सा हो गया कोचा तो भी मुनसर है कोच बाई कौन भाई भाई जी अपने बंदे की रोंदे बैठे बात सुना कर छंड लिस्से हो या छंड डांडे ये ठीक जे उन्होंने कोच उन्होंने बाई ओड़ा उन्होंने उन्हें बाई ओड़ा झगड़ा पैना ही नहीं जल सारे कोच को कट्ठे हो सुना आखन इन्ना जी जैसी है जैसी है उसलै आखना इन्ना जी बोलने कोई नहीं क्या करे कोई ये हकीकत है भाई जिस फैसला कर रैफरी करता उस फैसला करना रैफरी अगर बाई है भाई जमशेद के कयून की असा रैफरी रखा तो इन्हें आख्या भाई भाई जी जैसी नहीं होगी जे कोई पूछे ना पूछे मैं जरूर पूछते जे और इन्हें बेहतरीन इन्हें रैफर पूरा किया कोई पूछा ना किसी का रैफरी भी सही अपनी तरफदारी ना फैसला करे जो उस तकिया नहीं उसने नजर कुछ आया तो वो उसने कोच को पूछा भाई तुम्हें तकिया उन्हें रौला ना बन दो रौला ना बन वैसे मैं एक गल साथियों नाल शेयर करना चाहना जड़ा पिछले अगस्त में दसा जो टूर्नामेंट पहले कराई चुके हैं ना हर जगह लड़ा भाई डिफरेंट होना सी मिस्टेक हो उस सबक सीखने से अगर टूरने मैं जनाब भाई सोभ तुर या लाला मैं तुसा गल करना ना असा दो जज बैठे लाला मैं लाला क्यों जो अख तकनी है सच्चा ईमान होना ही गल ओवरऑल तो रब रिजात ही गायब ने तुसा लाला कलमा पढ़ी तै ये गल आखी जासो कि लियास गलत है क्यों मैं तुसें दसा जो मिगी ये फ्रंट साइड दसी भी खेड़ा मैं कलमा पढ़ी जसा इस पर मैं अल्लाह ने नजदीक ठीक है कि जो मैं तकना वो मैं दसना तुसा कलमा पढ़ी जासो कि लियास गलत है कि मिगी वो चीज़ नहीं दसनी तुसा बैक साइड नहीं दसो त्री आई कि कैमरे ने अख मिठू जिसे खलते आ मिठू जरा दसी ए साइड दसी उस फिर यह गल उसी
उस साइड सौ तकी दी ये मैं तकी दी ए कैमरे की अख तकी दी अस भी तकी सकता ये साइड रही गई फिर अस गैस पर फैसला दे यानी कि अस फौरन आने जज हजरात रैफरी हजरात बेईमान बेईमान नहीं उन्होंने जो कि दिसना वो बयान कर जो दिसना उसना ईमान है हूँ मैं ये कोना गल करना इस कलमा पढ़ी जाना तो कलम हमज साहब तुसा कलमा पढ़ी जा ये गल नहीं उस दिसना नहीं असा सारे की एक्सैप्ट करना चाहिए सारा ईमान उन्होंने बंद बनाना चाहिए समझी सो ये लाला जाना कि चीज़ा जरा असा इन चीज़ों स्टैंड इंसान के वाकया ये गल है रब की जात हर पासू तकी सकनी अंदरू बाहरू नीयत में पन्ना नीयत के माड़ी जी अंदरू रब की जात जानी बंदा भी जानी सो इस मारे ये चीज़ा असं जिते डाउनफॉल है वह एक्सैप्ट करनी अपनी दुए पर असं भी प्रेस करना सो ये मैं आप क्लीयर कर सकता शाह जी जनाब बड़ा अच्छा माहौल बड़ी अच्छी गुफ्तगू जितने भी दूर दराज तू भरा दोस्त जनाब साढ़े बिलखसूस जनाब बड़ी जानी पहचानी शख्सियत किसी तार अपने मदाज जनाब इज़्ज़त मुआब जनाब वाजिबुल इकराम जनाब बेल्ट होल्डर जनाब राजा बशार साहब जनाब थोड़ी देर तू आए लेकिन आ गए जनाब असा इन्होंने बड़े शुक्रगुजार हैं जो साढ़े घर आए सारे इन्होंने नाम होना साढ़े सर मत्थे थे बड़ा शुक्रिया राज साहब की तस्वीर लैके आए हो बहुत बहुत मेहरबानी जनाब उस तो बाद जनाब मैं सैयद अल रसूल जनाब सैयद आजम हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि जनाब मुनव्वर जग्गा साहब ने घराने वास्ते इन्ना संगियां साथियों ने इतफाक वास्ते ये रौनक बहाल रहन ये खाने पीने मिलने जुलने सचैरियाँ अल्लाह ताला कायम रखे है और साड़ी कमला जी की गप जप जारी रहो है तो जनाब तुम दुआ करो कि अभी सारे जनाब इंशाल्लाह इतफाक के साथ ही रहो रौनक मेला कायम रहे सैयद आजम हुसैन शाह साहब بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين اے پروردگار عالم جتنے حضرات اتھے موجود ہیں انہوں نے کارتوں لے کے جتنے بندے باہر ہیں پروردگار عالم انہوں نے اپنے دامان چ رکھن परवरदिगार आलम अगर कोई कुदरती तरफ कोई तकलीफ कोई मुसीबत है मौला इस पाक कलाम ने तो फैल करके उन्होंने मुश्किल आसान कर जी वर्ल्ड बीनी ने जितने मेम्बरान है कुल्लो तकरीबन पंद्रह सोलह सारे का नाम है किन्नी ने सकना था तो मामा तो अपने हबीब ने सदके इन्हों पर रहमत और रहमत अता ऐ मौला असा मुसलमान हजूर पाक पर असना यकीन है परवरदिगार आलम असा सब भरा ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ने वाले हैं जिलों चु नफरत दूर सब इन्होंने चु परवरदिगार आलम तू ही खत्म कर सके मौला अपने हबीब ने सदके करके जितने भलवान हैं उन्होंने पर मौला अपने हबीब ने सदके रहमत और रहमत अता आपस के इत्तेफाक मोहब्बत भाईचारा अल्लाह ताला ने सिर्फ सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़े मुहम्मद व अली वरिया के रहमत का याद था सर।